दर्शकों नमस्कार, खबर बिल्लौर कानपुर नगर से, जहां नगर के मुरादपुर सुभानपुर स्थित श्री सिद्धेश्वर भोलेनाथ मंदिर में श्री शिव कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। आचार्य पंडित कुलदीप जी महाराज के द्वारा भक्तों को सुनाई जा रही है शिव कथा। आज कथा के दौरान आपके द्वारा शिव भक्तों को भगवान भोलेनाथ की शिव कथा सुनने के महत्व को समझाया गया। आज शिव कथा सुनाते हुए भगवान भोलेनाथ व माता सती के विवाह की कथा सुनाई। आइए देखें कितना भक्ति भाव से उमड़े भक्त। ए भैया, पर अगर घर में सांप ना घुसे इसलिए हाथ उठा लो, और जिसने हाथ नहीं भोले बाबा के दरबार में उठाए, क्योंकि कहा गया है ना, पुलिस के सामने सिलेंडर करने से काम नहीं चलेगा, भोले बाबा के सामने अपने आप को शरणागत कर दो। उपचार होते हुए रात्रि में जब भावन पड़ने लगी जिस समय रात्रि में भावन पड़ने लगी, तो आज स्वयं प्रदीक्षिणा हो रही थी जिस समय, तो ब्रह्मा वेद मंत्र बोल रही है। सावधान होकर के सुनो, प्रदीक्षिणा प्रकुर्वन्त्याः वहिनि सत्या पदद्वयम् आविर्भूवसन्नात्मद् जिस समय प्रदक्षिणा हो रही, ब्रह्मा मंत्र बोल रही है, ओम भद्रम करणी श्रुणियामि देवा भद्रम जिस समय महाराज प्रदक्षिणा सती जी घूम रही है, पावर हो रही है, उसी समय ब्रह्मा की दृष्टि लिखा है, उसी समय ब्रह्मा की दृष्टि माता सती के चरणों पर पड़ी। लिखा है उस समय उनके दोनों चरण वस्त्र बाहर निकल आए, उन्हें देख करके ब्रह्मा आकर्षित हो गए। और जिस समय मदना विष्ट चेतास भूतवागानिवलोकयम् आहम सत्यानुजा श्रेष्ठ शिव माया विमोहिता। उस समय ब्रह्मा कहते हैं नारद से, हे नारद, जिस समय सती पावर घूम रही थी, उनके चरण कमलों से वस्त्र हट गए, और जिस समय चरण वस्त्र हट गए महाराज, उस समय मैं काम में व्याप्त चित्त वाला माया में मोहित हो गया, और सती के उस चरण अंगों को देखने लगा। और हे मुनि, हे नारद, जिस समय नारद को ये पावन कथा बता रहे हैं ब्रह्मा जी, और ये पावन कथा प्रयागराज की धरती पर संकादिक महात्माओं को बता रहे हैं, मंत्रांचल पर्वत पर महाराज संत कुमार आदि नंदकेश्वर बता रहे हैं संत कुमार को, अमर गुफा में भोलेनाथ, और सुभानपुर में ये पावन कथा हम बता रहे हैं। इस प्रकार जिस समय मैंने उनके चरण को देखा, तब तो मेरा मन बड़ा मदन में भर गया, मैं कामासक्त हो गया, विचार करने लगा, मैं सती के संपूर्ण अंगों को देखने लगा। इस प्रकार जो पति व्रत में परिपूर्ण वो दक्ष की नंदिनी स्वयं सती को मैंने जब देखा, तो मैं कामादिष्ट हो गया, और उनके मुख को देखने के लिए मैं आतुर। कैसे हम सती का मुख देखें, और सती जो है, किंतु जो सती है वो लज्जा के कारण अपने मुख को ढक रखा है, और प्रत्यक्ष सती का मैं मुख न देख पा रहा था। कह रहे हैं इस समय सती को मैं देख मुख देखने के लिए अत्यंत लालायित होने लगा, संपूर्ण उस रूप को देख करके मेरा मन आकर्षित हो गया, मेरे अंदर काम वासना जागृत हो गई। अब हम कैसे सती के मुख को देखें? अब ये नारद जी को ब्रह्मा जी बता रहे, तब तो मैंने विचार किया, मैंने अपने शिष्यों से कहा जाकर के कुछ लकड़ी गीली लाओ। लिखा है महाराज, ततस्त दर्शनाथाय सदुपायं विचारयं दोमुर घोरे कामातु कार्य तत्पर तथा परम
सती का मुख देखने के लिए मैंने यज्ञ कुंड में गीली लकड़ियां डाल दी। मैंने उस सती के रूप को देखने के लिए कौन सा हम ऐसा उपाय करें जिससे सती का मुख में देखने को मिल जाए। और जैसे ही मैंने बहुत सारी गीली लकड़ियां डाल दी तो अग्नि जलना कम हो गई, बंद हो गई, धुआं हो गया। और जैसे ही तेज धुआं हुआ तो भोलेनाथ ने दोनों हाथ अपने अपने नेत्रों पर रख लिए। और जो ही नेत्रों पर भोलेनाथ ने अपने हाथ रख लिए प्यारे भक्तों, उसी समय मैं घी डालना बंद कर दिया मैंने। और मैंने जाकर के सती के जो पर्दा किए थे सती, उस मैंने पर्दा को हटाया, सती को देखा। और जिस समय मैं ये चारों दिशाओं में जिस समय ये धुआं फैल रहा था, मैंने सती के मुख को अब तो बार बार देखने लगा। ब्रह्मा जी कह रहे महाराज, इस प्रकार मैं अवश होकर मैं इंद्रियों के विकार युक्त हो गया। मैंने अपने को असम्यक देखकर संकित हो गया। तथा जिस समय मैं ये कृत कर रहा था, उस समय भोले बाबा को ये अवगत हो गया। अब तो भोले बाबा ने क्या किया है, दुष्पापी आपने ऐसा कुछ कर दुर्बल मेरी स्त्री को जो मुख है तुमने देख लिया है। आप समझते हैं कि शंकर जी ने देखा नहीं है और वो जान नहीं पाएंगे इस त्रिलोक में कोई भी बात मुझसे अज्ञात नहीं रह सकती है। यह बात कैसे छिप सकती है, तुमने सोचा कि शंकर जी देख नहीं पाएंगे, लेकिन आपने कैसे विचार कर लिया किस प्रकार जिस प्रकार से तिल के सभी अवयवों में तेल रहता है, जैसे राई में तेल रहता है और किसी को दिखाई नहीं पड़ता है, उसी प्रकार मैं त्रैलोकों में मेरी सत्ता व्याप्त है और कुछ स्थावर जंगम पदार्थ है जिसमें मैं संपूर्ण रूप से व्याप्त रहता हूँ। और तुमने कैसे विचार कर लिया ये व्रत जो आपने किया है मैं जान ना पाऊंगा। अब तो भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल उठा लिया है। शंभुनो मिले सुलेमा चाहन कुंभोत्तम मरीच तनु खासे वही हाहाकारे। जिस समय भगवान मारने के लिए दौड़े किसको, ब्रह्मा को, अब तो मरीच आदि जो महात्मा बैठे थे ऋषि सब, जिस समय भगवान ने त्रिशूल उठाया है तो हाहाकार मच गया। ये कैसा खत कट गया, अब तो अनर्थ हो जाएगा। सभी देवता लोग चरणों में भोलेनाथ के गिर पड़े। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, देव देव महादेव शरणागत वत्सल ब्रह्मा रक्ष कृपां कुरु महेश्वर। हे देव देव महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे भगवान ईश्वर, आप ब्रह्मा की रक्षा कीजिए। हे महेश्वर, आप कृपा कीजिए। भगवान शंकर कहते हैं इस अपराधी को कैसे छोड़ दें, हैं? ये ऋतिक कार्य कर रहा था, पांडित्य कार्य कर रहा था और उसके मत में इसने ये कार्य कर दिया है। एक आचार्य को ये शोभा नहीं देता है। सभी देवता के लिए जगत पिता महेशम तुम जगत माता सती मता हरि ब्रह्मा दया सर्वे तब का सासुर प्रभो। हे भगवान शंकर, हे महेश, आप संसार के पिता हैं तथा माता जो देवी है वो सती, वो जगत की माता कही गई।
जो भगवान विष्णु ब्रह्मा जी शरीर निर्माण जो है वो आपके दास है। प्रभु हमें क्षमा करो, क्षमा करो प्रभु, हमें क्षमा करो। भगवान विष्णु कहने लगे, भोलेनाथ विभिन्नाज ही भूतेश सस्तारं जगतां प्रभु अयम शरणस्ते अद्य शरणागत वत्सला। हे भूतेश, आप जगत को उत्पन्न करने वाले प्रभु, इन ब्रह्मा का वंदना करें, क्योंकि आपकी शरण में ये आ गए हैं और शरण में आए हुए लोगों को स्नेह से लगाया जाता है। अपराधी यदि अपने पापों का प्रायश्चित कर ले, अपराधी जो पाप करने वाला व्यक्ति है यदि अपने पापों का प्रायश्चित कर ले तो समस्त प्रकार के जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और स्वयं में अपराध से मुक्त हो जाता है। प्रभु हम भी शरणागत है, नारायण कहते हैं, प्रभु हम भी शरणागत है, उद्धार करो तो नमस्तुभ्यम्।
प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जोर से बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलिए गौरी शंकर भगवान जय। आगमन हुआ और आपका स्नेह है, आप रुके हैं, आपके पास समय नहीं था, बहुत व्यवस्था है बाबा जी की, शुभ धर्म कार्य में आपका जीवन व्यतीत हो रहा है, पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया है सनातन के लिए। कितना बड़ा सौभाग्य वो शरीर होता है, क्योंकि मैंने बताया था धन का शरीर का, धन का शरीर का समय का, तीन जगह आप इस शरीर को, धन को और समय को लगाते हैं। जब यह शरीर परिवार में लगता है, जब यह शरीर शुभ काम में लगता है, भागवत में लगता है, शिव पुराण में लगता है, जब परिवार में लगता है तो इसको उपयोग में मानते हैं, और जब कथा में आ जाए शरीर शुभ सनातन धर्म संबंधित धर्म पारायण हो जाए, शुभ कर्म में लग जाए, तो इसका समय शरीर पैसे का सदुपयोग माना गया। और एक होता है माताओं दुरुपयोग। बाबा जी का हमारा जीवन सदुपयोग में है, सनातन में अपने आप को समर्पित कर दिया है, लौकिक जीवन में अलौकिक परमात्मा का चिंतन करते हैं, सदैव परमार्थ में इनका जीवन है। दो दो तीन तीन आश्रम चल रहे हैं और कई व्यवस्थाओं को इन्होंने अपने व्यवस्था में जोड़ रखा है। और अभी आप छोटा सा बालक देख रहे हैं, कोई नहीं सारा था, बाबा जी ने सारा दे दिया। तो ऐसा जीवन बड़ा सुंदर है, क्योंकि कहा गया है संतों के लिए अंतर भवे अनंत भवंतमेव जो परमात्मा की खोज में निरंतर अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, अपने लौकिक जीवन का त्याग कर देते हैं, सर्वम एव न्यासः, न्यास कर देते हैं समस्त प्रकार के सुखों को छोड़ दे, और संसार का कल्याण कैसे हो परानुग्रह कांक्षा, परोपकार की भावना जिनके हृदय में विद्यमान हो जाए, निरंतर परमात्मा से यही कामना करें, हमारा ये संसार जो है लौकिक गृहस्थ जीवन सबका कैसे सुरक्षित हो, सब पे अपनी दया रूपी कृपा भगवान से मांगे, और आप पर अपना स्वयं अपना जीवन जो है तपस्या आपको दे दे। बाबा जी के आश्रम जो जाता है कुछ ना कुछ पा के आता है, कृपा है ठाकुर जी की। तो बाबा जी से आग्रह किया गया था, रुक गए, जा रहे थे, हमने कहा नहीं एक दिन और आपने देखा था परसों बाबा जी ने, हम सु माने सुंदर, तामा माने हार, जो गले में सुंदर हार है ये तो भगवान के कृष्ण के गले का ये माला है, और बाबा जी ने पुष्पों की सुंदर माला दी। और उस दिन महाराज देखा ही था, मोहल्ला वाले परेशान हो गए, महाराज है कितना सब बाबा जी ने सम्मान है बाबा जी, और जब सम्मान कोई देता है तभी सम्मान मिलता है, याद रखना। सामने वाले को जब हम सुख देंगे तब हम सुख की आशा करें, सामने वाले के सामने दुख दे रहे और सुख मिलेगा, सुख देने सुख होता है। बड़ा सुंदर जीवन है, आइए कथा में चलते हैं। भोलेवान की आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज डिजिटल पढ़ना विद नवीक समाचार दैनिक। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।